पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पहुंचकर उनके साथ करीब 2 घंटे बातचीत की। इसमें राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राज्यों के हितों की रक्षा पर मिलकर रणनीति बनाने, गैर बीजेपी राज्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दों के साथ 2024 में गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे के साथ मोदी के रथ को रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई। उनकी इस मुलाकात के बाद साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करने की कवायद मानी जा रही है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने थर्ड फ्रंट के बारे में बताया कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना राजनीतिक मोर्चा का गठन किया जाएगा। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल कल कर्नाटक के शिवमोगा जिले में 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद तनाव बढ़ गया। घटना रात के 9 बजे घटी। मिली जानकारी के अनुसार विक्टिम का नाम हर्षा है। वहीं पुलिस की माने तो शुरुआती जांच में से हिजाब विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि हर्षा ने हाल ही में अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शॉल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि 4-5 युवकों के समूह ने एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी। फिलहाल शिवमोगा में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए एहतियात के तौर पर शहर के सभी स्कूल और कॉलेज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सितारगंज में पुलिस ने साधुनगर के खनन क्षेत्र में छापा मारकर ओवरलोड चल रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां कब्जे में ले ली। पुलिस की टीम ने कोतवाल प्रकाश सिंह दानू के नेतृत्व में साधुनगर खनन क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ ली हैं। इनमें ओवरलोड रेत बजरी लदा था। इससे पहले उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने 9 खनन वाहन पकड़े थे। इनमें कुछ वाहन ओवरलोड थे। इन वाहनों की रॉयल्टी में परिवहन का समय भी ज्यादा दर्ज था। उस मामले की भी जांच की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के लिए कहा कि यहां बीएमएसपी पर खरीदारी नहीं होती। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है, पानी का प्रबंध नहीं है, फसलें यहां भी कम रेट पर बेचनी पड़ती है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि मंडी की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उससे यहाँ के किसानों को फायदा हो सकता है। चुनाव में उत्तराखंड का इतिहास रहा है, वो देखता है सरकार में कुछ नहीं मिल रहा, हो सकता अगली सरकार में कुछ मिले। एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए 25 साल के लिए और उसमें 10 से 12 एजेंडे तय करने की बात भी कही। चुनाव में अगर यहाँ पे हम उत्तराखंड की बात करें तो एमएसपी पे खरीद यहाँ पे भी नहीं है और जो पहाड़ का किसान है नुकसान उसको भी बहुत है। उसको जंगली जानवर से नुकसान है, जो पहाड़ में वो खेती करता है उसको पानी का प्रबंध वहाँ पे कमज़ोर है, फसलें वो भी कम रेट में बेचता है और जब तक वो मंडी में आता है तो रेट उसका जो किराया है वो उसका बढ़ता है। तो हमने कहा कि सरकारों को कि खास करके हिल स्टेट में उनको आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप दो, खेत से मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। अगर उसकी मंडी दिल्ली की है, देहरादून की है या हरिद्वार कहीं की भी है तो मंडी की जिम्मेदारी सरकारों की है, तो उससे यहाँ के किसान को फायदा हो सकता है। और चुनाव में तो लोग और ख़ास करके जो यहाँ का इतिहास रहा है वो पलट करता है, वो देखता है कि भाई सरकार में कुछ नहीं मिला, हो सकता है अगली में मिल जाए। वहीं लक्सर के भोगपुर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। किसानों के राजस्व भूमि पर देर रात मशीनें लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे किसानों से लेकर खनन व्यवसायी सभी परेशान हैं। परेशान खनन व्यवसायियों ने भोगपुर में किसानों को साथ लेकर धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि अवैध खनन के कारोबार की चरम सीमा पार करने के कारण हम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। निगम के खनन पट्टा धारक आरोप लगा रहे हैं कि उनका बोल्डर स्टोन क्रेशर नहीं खरीद रहे।
क्योंकि उन्हें अवैध खनन से मिलने वाला बोल्डर सस्ता मिल जाता है, जबकि निगम के पट्टे से उठने वाला बोल्डर महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हमारी खनन रॉयल्टी महंगी है, जिसके कारण हमें अपना बोल्डर महंगा बेचना पड़ रहा है। हमारी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, मजबूरन हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम लोग धरने पर बने रहेंगे। अवैध खनन रोकने के लिए धरना प्रदर्शन है, जो नीचे हर्षी वाला धारी वाला इधर अवैध खनन चल रहा है, जो राजस्व की ज़मीन है उनमें अवैध खनन चल रहा है, जो रात को मशीन लगती हैं उसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है। और हमारा उस मशीन चलने के से हमारे जो है ये भोगपुर में जो निगम चल रही है उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसका माल क्लेशर पर नहीं ले पा रहे क्लेशर वाले, क्योंकि नीचे से माल मंदा मिलता है और हमारी रोल्टी इतनी महंगी है कि हमें मजबूरी हमारी कि हमें वो महंगा बेचना पड़ रहा है अपना माल। ये खलन चल रहा है धारी वाला हरसी वाला, ये सुल्तानपुर ने हमारी खेती ख़त्म कर दी, हमारा बाड़ी टीप का गांव ख़त्म कर दिया जी। जो शासन प्रशासन चौकी इंचार्ज भिक्कमपुर कोई बात नहीं सुनते, जो हमारी सारी खेती खुद की उनका माल सस्ता मिल रहा, जो हमारा गंगा का माल है हमने रॉयल्टी का बेचना वो सस्ता, और हमें कोई पूछ नहीं रहा जी। यहाँ वहाँ पे कोई भी रोक नहीं है जी, नीचे जाके देखो 40-40 फुट के गहरे खड्डे हो गए, हमारी खेती की जमीन खत्म हो गई, आने वाले बच्चे हमारे भीख मांगेंगे, जो ही भाजपा सरकार में हमारा नाश हो गया जी। देश दुनिया में अपनी खूबसूरत स्कीइंग ढलानों के लिए प्रसिद्ध सिंह रिजॉर्ट ओली इस समय 2 से 3 फीट बर्फ से ढक गया है। जहां बीते दिनों ओली में जमकर बर्फबारी हुई, वहीं पर्यटकों ने भी एक बार फिर ओली का रुख करना शुरू कर दिया। यहां इस समय भले ही सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन पर्यटक आधे रास्तों से पैदल या फिर जोशीमठ से रोपवे के जरिए स्की रिजॉर्ट ओली पहुंच रहे हैं। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में 8 मार्च से 19 मार्च तक होली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारी सामाजिक संस्था श्रीराम सेवक सभा ने पूरी कर ली है। यहां बता दें कि 26वें फागोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए राम सेवक सभा भवन में महिला होली दलों के साथ बैठकर पत्रकार वार्ता की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि अगर होली कार्यक्रम में कुछ फेरबदल करना होगा तो बता दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर श्री राम सेवक सभा ने होली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल यहां पर 8 मार्च से 19 मार्च तक होली का आयोजन किया जाएगा और जिसकी व्यापक तैयारियां सामाजिक संस्था श्रीराम सेवक सभा ने कर ली है। जानकारी दे दें कि 26वें फागोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए राम सेवक सभा भवन में महिलाएं होली दलों के साथ बैठकर पत्रकार वार्ता करती हुई नजर आई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बावड़ी ने कहा है कि अगर होली कार्यक्रम में कुछ फेरबदल करना होगा तो आगे बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति है और इसे बचाने के लिए बेहतर कदम है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान, तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर, जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है, जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वहीं संभल के धनारी थाना परिसर में ट्रैक्टर और निजी वाहनों को थाने के अंदर खड़ा कर भाकियों के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। थाने में लाउड स्पीकरों से भाकियों नेता कोतवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। थाने के अंदर धरने से हालात तनावपूर्ण बने रहे। वहीं किसानों ने थाने के गेट पर भी वाहन खड़े कर रास्ता बंद कर दिया। बता दें कि धनारी कोतवाल विद्युत गोयल के खिलाफ 2 दिन पहले किसानों ने थाने के घेराव का ऐलान किया था। बाद में सीओ और भाकियों कार्यकर्ताओं से हुई वार्ता के बाद भाकियों ने धरना खत्म कर दिया। आज जो धरना दिया जा रहा है, इंस्पेक्टर धनारी विद्युत गोयल की करतूतों पर दिया जा रहा है। हम कल 2-3 पदाधिकारी आए थे, एक धनारी के गरीब किसान का मामला चल रहा था। तीन दिन लगातार आते हुए हम लोगों पर, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं इंस्पेक्टर साहब ने, बल्कि धनारी थाने से महज 500 मीटर की दूरी का मामला है। जब ये 500 मीटर की दूरी का मामला नहीं सुन पा रहे, फिर आगे कैसे सुन पाएंगे? और फिर किसानों के साथ अभद्र भाषा का, हमारे साथ जो पदाधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आज पीलीभीत में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है। वहीं तैयारियों को लेकर वहां का जायजा लिया पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता ने, सुनी। कि जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का जो अंतिम दिन है, चौथी चरण में यहाँ पर मतदान होना है, 23 फरवरी को यहाँ पर मतदान किया जाएगा, तो उसको लेकर आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अमित शाह पीलीभीत जनपद पहुँचेंगे और चुनावी जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। जिस तरीके से तस्वीरों आप साफ देख सकते हैं कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और तैनाती यहाँ पर की गई है और मंच जो है सबसे तैयार हो चुका है। बात करें 127 सदर विधानसभा प्रत्याशी भाजपा के सदर संजय सिंह गंगवार, उनके चुनाव प्रचार को लेकर यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए 12:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए प्राणी गुप्ता, पीलीभीत।
वहीं बहादुराबाद के सिडकुल थाना क्षेत्र में साइबर ठगों की तरफ से बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित की तरफ से पुलिस और साइबर क्राइम को लिखित शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद उनियाल ने बताया कि शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है, साइबर क्राइम को जानकारी दी जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी कोटद्वार रोड पर बुआखाल के पास एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक के दो बच्चे थे। राजस्व उप निरीक्षक महराज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की उम्र 32 साल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट का समापन हुआ है और इस मार्ट में उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला। अंतिम दिन कई राज्यों से आए पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों को घरेलू और अन्य पर्यटन संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित इंडिया ट्रेवल मार्ट में ट्रेवल एंड टूरिज्म विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। अंतिम दिन ट्रेवल एजेंटों, पैन इंडिया के टूर संचालकों, उत्तराखंड और गुजरात पर्यटन के अधिकारियों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों राज्यों ने घरेलू और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं से रूबरू कराया गया। देहरादून में दिसंबर और जनवरी से लंबित वेतन का भुगतान और अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी आंदोलन किया। इसके तहत देहरादून समेत प्रदेश के सभी बस डिपो और कार्यशाला में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर चेतावनी दी कि जब तक वेतन जारी नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गुरुवार को दून में हरिद्वार रोड पर रोडवेज कार्यशाला में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया था। पौड़ी के चौबट्टा खाल में कोटद्वार से अपने दोस्त के गांव घूमने आए युवक की पैर फिसलकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक गुड़गांव के किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी करता है और लॉकडाउन के चलते कोटद्वार से ही काम कर रहा था। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। कुशीनगर के कप्तानगंज में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। वहीं ससुराल के लोग घर छोड़कर गायब हैं। सूचना पर पहुंची महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर के हथवा में 20 महीने पहले संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत मामले में उसके भाई की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कसिया ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन की पत्नी जोहारा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिसे दफना दिया गया था। कुछ दिन बाद मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाकर जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद मृतक के भाई मुश्ताक अहमद ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसिया के यहाँ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को दिया। पुलिस ने पति सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवाहिता के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहारनपुर में 2 जनवरी से लापता युवक का आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि थाना देवबंद के कोरबा का रहने वाला दीपक बीते 2 जनवरी से लापता है। 3 जनवरी को दीपक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना देवबंद में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक दीपक का पता नहीं चला है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।